नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। विदेशों से वापसी आने वाले पंजाबी एनआरआई 4000 लोगों जो कि जिला कपूरथला से संबंधित हैं, जिन्हें जिला कपूरथला प्रशासनिक तंत्र की ओर से क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। कपूरथला के केंद्र पॉइंट प्लस कॉलेज व सिटी हॉल में जहां उन्हें क्वारंटाइन किया जाना है, उसको लेकर कपूरथला क्षेत्र निवासियों में कोरोना वायरस और अधिक फैलने की दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिस जगह पर पंजाबी एनआरआई को रखाव यानी कि क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, वहाँ की महिला पुरुष शौचालय की हालत आप खुद देख लें, आप वहां नहीं जा सकते। सिटी हॉल कपूरथला में क्वारंटाइन बेड बनाए जा रहे हैं, जहां 60 से 60 के पीछे दो शौचालय जिनमें एक महिला और एक पुरुष का है, उन शौचालयों के दरवाजे तक टूटे हुए हैं। उनका खस्ता हालतों को देखते हुए वहीं क्वारंटाइन लोगों को ओपन में नहाने के लिए टेंट लगा दिए गए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह से कपूरथला प्रशासनिक तंत्र के प्रबंधन इन प्रबंधों को और कपूरथला केंद्र बिंदु में बनाए जाए क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर जहां क्षेत्र निवासियों ने तो इसका विरोध भी किया है। वहीं पंजाब भाजपा सचिव उमेश दत्त शारदा के साथ दोआबा उपाध्यक्ष यूथ अकाली दल व अवि राजपूत प्रशासनिक तंत्र कपूरथला द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का विरोध जाहिर किया है। ये थी पंजाब से बड़ी खबर, आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। सर, जो कि अपने विदेशों तो 4000 भारतीय जो कि वापस आ रहे हैं, तो उस संबंधी जिला प्रशासन वालों क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं पर उस जगह की जो आप गल करिए शहर के बीच है, तो उस संबंधी तुम की कहना चाहते? देखो, शहर के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने क्रिएट किए जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस बारे कल मैं डीसी मैडम गल की, मैं SSP साहब की भी इनफॉरमेशन गल लैके आया, मैं CMO ने भी रिक्वेस्ट की कि सुहाग पैलेस, हिंदू कन्या कॉलेज, सिटी पैलेस, जिहड़ा सिटी हॉल है मलडाउन के अंदर, शहर की डेंस पापूलेशन के जो 4000 लोगों के ठहरन का पूरे जिले के इंतजाम कर रहे हो, बहुत गलत चीज़ है। पूरे शहर की आबादी नॉट ओनली इन कपूरथला, अगर यही सेम चीज़ तुम फगवाड़े से भी करोगे, सुल्तानपुर भी करोगे, तो बहुत खतरनाक होएगी शहर की पापूलेशन वास्ते। क्वारंटाइन सेंटर जोड़े आ शहर तो बार बार की आबादी के होने चाहिए है। बहुत सरकारी बिल्डिंगा पहुत ही प्राइवेट और सरकारी बिल्डिंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैलेसिस, स्कूल्स पे ने, उत्थे जाके बनाओ, क्यों शहर के अंदर शहर दड़िया आबादियों के बना रहे हो? सर, जो गल की जाए सिटी हॉल की, तो 50 या 100 बंदे मगर दो बाथरूम, सिटी हॉल अज तो नहीं, उत्थे तो जाके बाथरूम की हालत देखो, उत्थे तो 50 बंदियां दा 70 बंदियां दा रहन दा इंतजाम कर रहे हो तुसी, और पता लगा कि टेंटां दे विच बाथरूम बना रहे हो, और बाथरूम जिहड़े उत्थों दे टॉयलेट्स ने उन्हां दी हालत देखो, जाके दरवाजे टुटे हुए ने, उत्थे दी व्यवस्था ही नहीं हैगी। की प्लानिंग कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज, बड़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़िया बिल्डिंगा, बड़े पैलेस शहर तो बार बार की आबादी के 2-3 किलोमीटर के एरिए है, जिते बहुत सारे इंतजाम ने। तुसी जाके देखो, सुभानपुर रोड से इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल्स प्राइवेट है, फतुडिंगा रोड से जाके देखो कि 4 किलोमीटर के बहुत वड्डा कॉलेज खाली पिया, सुल्तानपुर रोड के उत्ते है, जलंधर रोड से बहुत वड्डे वड्डे पैलेसिस बने हुए हैं, बनाओ जाके उत्थे भी जाके क्वारंटाइन सेंटर बनाओ, जिते शहर की आबादी को कोई खतरा ना हो। और मैं कल भी ये मैडम को रिक्वेस्ट की डीसी मैडम को, और अज भी मेरी यह बेनती है, हिंदू कन्या कॉलेज का खेड़ा छोड़ो, ये पैलसा का खेड़ा छोड़ो, शहर की आबादी को, शहरदारों को खतरे च ना पाओ। जे तुसी साड़ी ना गल सुनी, पूरी शहर की मूवमेंट जिहड़ी है वो मूवमेंट होएगी, और असी इस एजिटेशन दे विच अपनी आवाज़ जिहड़ी है दिल्ली तक लैके जावांगे। लोड़ पई ते डॉक्टर हर्षवर्धन जिहड़े साडे केंद्र दे सेहत मंत्री, उन्होंने निगाह च भी एक गल लैके आवांगे, जो तांदरी है कपूरथले की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। जिहड़े कि एक ऐसे सेंटर बनाए गए, जिवें कि पैलेस हो गए, तो सिटी हॉल हो गया, तो होर भी हिंदू कन्या कॉलेज भी बनाए गए हैं, पर शहर के कई मोहतवर बंदे वालों उस चीज़ का इतराज़ किया जा रहा है, तो वो बारे प्रशासन या महकमे वालों की? देखो जी, प्रशासन हमेशा ही जनता दे नाल है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट भी जनता दे नाल है, पर जनता का पूरी तरह से सहयोग चाहते हैं। जे उन्होंने इतराज़ किया है तो सुहाग पैलेस में उतो शिफ्ट उतो असी उत्थे नहीं रखे है, अपने जिन्हें भी इमीग्रेंट्स आते हैं उन्होंने सेंटर चेंज कर दिता गया। तो मैडम, सिटी हॉल का
सिटी हॉल का हले डिसाइड नहीं होया, उत्थे भी कोई इमीग्रेंट हेड प्रेजेंटली हले नहीं है। मैं अभी राजपूत सिंह ने मीत प्रधान दुआबा न्यू यूथ कल्चर, जिदा कि सर तुहाडे माध्यम नाल दसना चाहते हैं, पिछले दिन भी काफ़ी जिहड़ा वा इशू रेज होया कि शहर के जिहड़ी घनी आबादियां वा, शहर का विचों जिहड़ा एरिया वा, जिदा सिटी हॉल हो गया, होर भी जिदा सिंधु कन्या कॉलेज हो गया या सुहाग पैलेस के पिछे इशू रेज होया वा, इन्हां दे विच जिहड़ी है शहर की बिल्कुल घनी आबादी है, जिन्हां विच बहुत लोग वसनीक भी आ, तो ये जी कोविड 19 जो चल रहा वा, दो जो चल रहा बहुत बड़ी महामारी चल रही है, वो लड़ी में ही प्रशासन जोड़ा वा क्वारंटाइन सेंटर बना रहा वा, जो कि शहर की आबादी के घनी आबादी से आ, जो कि जो 4,500 एन आर आई वसनीक आ वो आ रहे हैं जिले के कपूथले के, तो असं प्रशासन को अपील करते हैं कि आपां की सेफ्टी लिए सहूलत लिए काम करना वा, ना कि लोगों के डर पाने के लिए आपां काम करना, क्यों क्योंकि जे आप शहर जी घनी आबादी है वो क्वारंटाइन सेंटर बनावे जो शहर के वसनीक आ उन्होंने बहुत माड़ा इंपैक्ट पेगा प्रशासन को, ग्राउंड लैवल से जाके जिदा कि आप देख सकते बहरों बहर इलाकों के बड़े कॉलेजिज आ, बड़े प्राइवेट सैक्ट प्रोपर्टीज आ, उत्थे जाके जिहड़े आ क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाते ताकि जो लोग वा अपने आप को सेफ फील कर, प्रशासन हले भी जिहड़ा वा जिहड़े लोग जिहड़े शहर के सूझवान व्यक्ति आ उन्होंने एक टीम बना के उन्होंने सलाह मशवरा करके एक क्वारंटाइन सेंटर जिहड़े आ बाहर शहर की बाहर की आबादी में लियाने चाहिए आ, ना कि शहर की घनी आबादी में लोगों में डर पाने लिए। जे गल करिए फैसिलिटी की उन्होंने लैन लिए मतलब कि कह लो कि फैसिलिटीज आपूँ दसना चाहवा जिदा कि सू सोर्सिस तो भी पता चलता है सेंटर सरकार आ पर जोड़ा वा जो क्वारंटाइन एक पर मैंबर आड़े आ इलाज लिए सहूलत लिए फंड रेज करती है, तो नाल दे नाल जो एन आर आई वीर आ रहे उन्होंने जी आप हेल्पफुल करने उन्होंने आप वधिया सहूलत लई जिदा सिटी हॉल आ असं वीडियो भी जो माहौल माहौल भी देखा वा उ 50 to 60 बंदे जोड़े आ क्वारंटाइन करने हैं पर उत्थे इक्को ही बाथरूम आ जिहदे कि जिहड़े चिटकनियां भी आ नाल वॉशरूम दे विच माली सहूलतां वा जिहदे विचों जिहड़े आ लोक रह के अपना जिहड़ा वा 50 to 60 बंदिआं लई मैनूं नहीं लगदा उह सफिशिएंट आ। आपां टेंट दे विच ओपन टेंट दे विच उहनां नहाउण दी व्यवस्था कीती गई आ, मैं कहना चाहुंदा प्रशासन नूं हले सिर्फ ऑफिसर दे विच बहि के इहनूं प्रैक्टिकली आके देखना चाहिए ग्राउंड लैवल ते कि आपां जिहड़ियां सहूलतां वा आम लोगों या जिहड़े एन आर आई वीर आ रहे उन्हां नूं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि या सिर्फ सीमित जिहड़ियां सहूलतां वा उह साइन तक ही आ या अपने ऑफिस च बहि के आ। प्रशासन नूं अपील करदे हां आपां इस टाइम कोई राजनीतिक लैवल दे उत्ते नहीं बयान दे रहे, ये जिहड़ा समां वा कोविड 19 आ आपां नूं लोकां दी सहूलतां लई काम करना चाहिए ना कि उहनां नूं दहशत लिआउण लई काम करना चाहिए आ। मेरी प्रशासन नूं अपील आ यूथ एक रिप्रजेंट होने के नाते कि जे आप ध्यान ना देवे कि यूथ जोड़ा वा आम लोगों की सेफ्टी के लिए सड़कों के आने भी गुरेज नहीं करेगी। जिला प्रशासन वालों की कह लो कि जो शहर के मेन हिंदू कन्या कॉलेज हो गया सिटी हॉल हो गया जो पैलेस हो गई उन्होंने कोर सेंटर बना जा रही है, तो उसकी की कहना चाहते असी ये कहना चाहते हैं कि इतने जो जगह है शहर के बिल्कुल कंजस्टड एरिए है लोग बड़े खौफ ज़्यादा है कि इतने क्वारंटाइन सेंटर बनना जा रहा वा, ये नाल सारी दुनिया सारे परेशान है गुआढ़ी आंढ गुआढ़ जिन्हें भी है। नंबर दो सिटी हॉल में जिनमें 40-50 बंदे मान लो क्वारंटाइन किए भी गए उत्थे फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम एक दो बाथरूम है, मेरे ख्याल दो बाथरूम बड़ा दिक्कत हैगी। इस तो बाद यह है कि जरा बड़ा थोरोफेयर है वो लोग आना जाना बहुत हैगा उत्थे, ठीक है ना, उत्थे पूरी फैसिलिटी भी नहीं दे पावे क्वारंटाइन सेंटर में लोगों जी इतने आके तो असी मंग करते हैं कि जिन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर है ना शहर के बाद जो स्पेसिस एरिए कोई कॉलेज ले लो या कोई बाद चार पाँच होर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उत्थे बनाए जाएंगे शहर बाद ताकि तो उन्होंने जो मरीजा प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके, ठीक है। जो कॉलेज है सुभानपुर कॉलेज हैगा भवानीपुर कॉलेज है इधर जलंधर रोड से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उत्थे बना के अच्छी फैसिलिटी दी जाए मरीजा इतने सही डिसीजन नहीं है मैं समझता। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पर्दा।